हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई हम तो मोदी जी को जैसे है ना हर चीज में पीछा कर रहे हैं। जो हो रहा है अभी, हमने लास्ट जो देखी है वो वीडियो थी, मोदी जी जो है वो वॉशिंगटन DC पहुंच गए हैं। अब उसके बाद क्या मेन इवेंट होने वाला है, मोदी जी जो इंडियन कम्युनिटी है उनसे मिलेंगे, क्योंकि जहां जाते पहले हम सब जो इंडियंस होते हैं वहां पे वो वेट कर रहे होते हैं बड़ी ईगरली कि मोदी जी की एक झलक भी मिल जाए, तो बहुत बड़ी मजेदार बात होगी। तो अब देखते हैं वॉशिंगटन DC में मोदी जी किस किस से मिले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और लोग इनके स्वागत के लिए पहले से तैयार, वॉशिंगटन DC की तस्वीर। अरे वाह, शुरू हो गए जैसे देखो। ओह, अगर मुझे टी शर्ट पे करना है। ये सिक्योरिटी वाले सेम तो नहीं आ गए कहीं? देखते हैं, अभी वही लग रहा है मुझे तो। वही है दोनों बेचारे रो रहे होंगे। वो हर जगह जा रहे हैं। हम तो पता गए भैया जी। बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं। कितने कुछ वेट करे थे मैंने भी सिर पे करो मोदी। होटल में अभी पता नहीं कहाँ है ये, क्या अजीब सी जगह है। पूरा समय गूंज चुका है और ये तस्वीरें होटल का। अच्छा, ये लिफ्ट होगी यहाँ पर, होटल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉबी को। ओ, ये जब अंदर घुसने से पहले ये होगा और वो उल्टा देख लिया हमने। बारिश अभी भी हो रही है, ऐसे लग रहा है कहीं के अम्ब्रेला से। ये वो ऐसे क्यों रटने वाला है, बेचारे बड़े परेशान है। अरे वाह, पीछे से आ रहे मोदी जी को पकड़ के जा रहा है। दो किए हुए देखा डिस्टेंस, दो बैरियर लगाए हुए हैं। दो बैरियर बेचारे को इतनी दूर कर दिया। एक एक तो आगे आगे कई आगे आगे हाथ मिलाने के लिए। हाँ, हाथ कैसे मिलाए, इतनी दूर तो हो गए। मोदी जी भी कह रहे होंगे इतनी दूर तो कर दिया इन्होंने। देख मोदी जी फिर भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी वाला जो मोदी जी कैसे करके चल रहे कि मोदी जी भी भाग ना जाए। बड़े घबराए हुए हैं वो तो, बड़ी घबराए हुए हैं। बस ऐसे देखना देखना पकड़ा वो पिछले वाले ने, पिछले वाले ने एक तो उसको किसी को मना भी करा था कि भरा हाथ उठा। नहीं, मोदी जी के बिल्कुल चुप, तो दोनों हाथ कमर पे रखे मोदी जी के। नहीं, उसको ये पता कि मोदी जी मतलब कहीं बाहर अंदर नहीं बाहर में, उसको ये भी है कि थोड़ा मतलब कहीं उधर फोकस करते हुए लगना चाहिए चोट या कुछ। और नीचे वो भी लगे हुए हैं जहाँ से बैरियर है नीचे। अच्छा, मुझे तो लग रहा है उसको लगता है मोदी केयरफुली की वो पूरा उधर कमर कमर पे हाथ रखा फोकस करके मोदी जी गिर ना जाए उस टाइप से। पूरे चिपका चिपक चिपक के जा रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि सब अच्छा है। अच्छी बात है वैसे, देखो इतना ध्यान रख रहा है रेन कोट पहन के बारिश में तो दूर से मिला लिया मोदी जी बैरियर है उसने काम है, मेरा तो कभी नहीं पहुंचेगा फिर। बेचारों को वीडियो में मिल ही नहीं रहा, वो वही उतना सही दिख बाबा दिखा रहे हैं। इतनी ट्रैफिक है, इतनी भीड़ है, मेरे ख्याल से वो कैमरामैन जो बस इतना ही ले पा रहा है, बस वो इतना ही ले पा रहा है इन्होंने, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है बेचारे कैमरा वाले पा रहे हैं। दैट्स उसके आगे जो उसमें भी 10 बार ही दिखा दिया, कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। हाँ।
ऊपर भी चढ़े हैं, होंगे तो बहुत उधर भी ऊपर गए हैं। 14th स्ट्रीट वॉशिंगटन डीसी, हम वहाँ पे कितनी बार आ गए हैं सब। एक को टच कर रहा था ना, बड़ा खुश हो रहा होगा वो तो। ये इसका भी, ये कब से खड़ा था, तो कभी तो कभी टच किया। देखो वो खास ऐसे दूर ऊपर से ना ही मोदी जी को, बीच में और सिक्योरिटी वाले आते हैं। अच्छा ये गाड़ियां खड़ी हैं, पता नहीं क्यों उधर से इन्हीं की गाड़ियां होंगी। हाँ प्रोटेक्शन के लिए भी ना, वहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी। इधर गाड़ियां कर दी, यहाँ से मोदी जी को लेके जा रहे हैं। ये तो देखो कमर पे हाथ लिया, वो ध्यान भी कर रहा है, नीचे भी देख रहा है कि कुछ नीचे लगे हुए ना उसके बैरियर्स के। और आ गए, देखो एकदम से इतने सारे और आ गए, लास्ट में आके और आ गए मेरे ख्याल से, और आ गए हैं। और यहाँ से एंटर करना होगा, ये होटल होगा, होटल के एंट्रेंस यहीं पे कहीं है। कांसी वाला बच्चा फिर आया, कांसी मोदी कहाँ से बोल रहा बेचारा, फिर से सुनते अगर आया तो कमाल है। इतना प्यारे वाले को भी धक्के पड़ रहे हैं इधर। लोग भागे भागे वहां से भी चलते हुए पीछे चल रहे हैं कि कहीं इस तरह मोदी जी दिख जाए। देखो इतने सारे, ये एंट्रेंस होगी यहाँ पे। I can't see. काफी जबरदस्त लूप मारते हैं। एक का हाथ रह गया था कई बीच में। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस के दौरे से पहले यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इंडस एक्स समिट का आयोजन किया। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा उत्पादों के सहनिर्माण और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के मकसद से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन। यार बड़ा ही मजा आ रहा है, सुनने का मन नहीं करता कि भैया क्या बोल रहे हैं दूसरे। जब आते हैं ये न्यूज वाले मेन होते हैं, या मोदी जी कैसे मिल रहे हैं, सब क्या हो रहा है। क्रेजीनेस थी और कितना मतलब दीवानगी है। और सबसे मजेदार तो सिक्योरिटी वालों को देखने में होता है, वो खास को जो पीछे वाला था इस बारी, उसने तो मोदी जी को पकड़ के रखा, मोदी जी के साथ साथ ही साथ साथ है। मोदी जी उसको बोलते भी होंगे, यार तू बड़ा तंग करता है यार, तू तो मेरे को मेरे लोगों से मिलने नहीं देता। I'm sure मोदी जी ने कुछ ना कुछ, मगर वो लोग अपने प्लेनों में आते हैं, वो साथ जाएगा, वो लोग अपने, उसके बाद वो अपने पीछे प्लेनों में आ रहे होते हैं, मोदी जी लैंड करेंगे उससे पहले ये और लैंड हो जाएंगे। ये पूरा मतलब उनको ड्यूटी, यहाँ ये पहले बोल रहे थे एक वीडियो में देखना कि ये चेंज हो जाएगी जब ये वॉशिंगटन डीसी जाएंगे तो वहां के सिक्योरिटी वाले टेक ओवर कर लेंगे। ऐसा नहीं है, एक ही पूरे ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी जो है उन्होंने बनाया हुआ है, चूज किए हुए लोगों को, वही मोदी जी के पूरे विजिट के टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां भी मोदी जी जाएंगे। अब इससे भी ये कन्फर्म हो गया है क्योंकि न्यूयॉर्क में भी यही थे और अब यहाँ वॉशिंगटन डीसी में भी अब यही है। मैं तो कह रही थी बेचारे कह रूंगे थैंक गॉड मोदी जी बड़े टफ हैं, बड़े टफ हैं। मेरे को, मैं तो हंस भी रही थी, मैं कह रही थी उन्हें पता है कि मोदी जी कहीं से भी बाहर निकल जाएंगे, इसलिए पकड़ के रखा पूरा कर रहे थे मोदी जी बहुत, ना जाए, बहुत ध्यान से, बहुत मतलब बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार और बहुत ध्यान किया। एक वीडियो में देखा भी था लोगों को, बोला था हटो हटो बहुत हो गया। मुझे तो सुनना है कि मोदी जी जब आदत नहीं है, कोई आदत नहीं कि उनके, यहाँ पर बेसिकली होता है कि देयर हैज टू बी अ सर्टेन डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप किसी के थोड़े से पास भी आ जाओ ना तो वो उनको लगता है आप रूड हो रहे हो, तो आपको मतलब वो डिस्टेंस होता है। अब जैसे मैं इस बार जब इतने सालों बाद इंडिया गई तो जैसे ही कोई थोड़ा पास ज्यादा आ जाता था मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा होता था क्योंकि आदत नहीं है। भैया इंडिया में तो यूं चिपक चिपक के बैठते हैं, सब बैठते हैं, यहाँ पे है कि भैया थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए। तो वही है, उनको भी यही लग रहा होगा यार क्या हो रहा है क्योंकि सब भूल गए सब कुछ, सबको मोदी चीत करें यहाँ तो। पर बड़ा मजेदार था, दिस इज जस्ट फैंटास्टिक, मजा ही आ गया यार। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।